हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यूज़ पे आपकी खबर है कि नहीं है? यहाँ मैं अपने पापा को फोन कर रही हूँ, वो न्यूज़ सुन रहे हैं, वो मुझसे बात करने को तैयार नहीं। और उन्होंने मुझे बताया कि केजरीवाल के घर पे ईडी पहुंची हुई है, पुलिस चारों तरफ से उसको घेर के घर को, लोग पहले से उसके साथ वाले जो भी हैं पार्टी वाले वो पहले से खड़े होके प्रोटेस्ट के लिए खड़े हुए थे, लोगों का इकट्ठे होके रोकने के लिए पुलिस, इसलिए उन्होंने सारी अरेंजमेंट की, पुलिस खड़ी हुई है। इवन उसके पीछे जो घर का है कि वहां से वो केजरीवाल भाग ना जाए या कोई अंदर ना आ जाए उस टाइप से, वहां पे भी पीछे भी उन्होंने पुलिस रखी हुई थी। अब जहां तक मुझे पता चला ईडी अंदर गई हुई है, तो मैंने पूछा वो पूछताछ करने गई होगी, पर मुझे जहां तक लग रहा है कि जो इतनी पुलिस का अरेंजमेंट करके गए हैं इसको पकड़ के वापस से जो है लेके आएंगे, अरेस्ट होगा ये बंदा। और पहले मैंने कल परसों न्यूज ये सुनी थी कि भाई क्या सुनी थी कि ये जाना नहीं चाहता सुप्रीम कोर्ट, और मतलब उस ईडी के पास, तो वो सुप्रीम कोर्ट या कहीं पे गया था किसी कोर्ट के अंदर, मेरे ख्याल से ये सुप्रीम कोर्ट ही होगा, कि भैया मुझे उस टाइप का बता, आप वो आश्वासन दो कि मैं अगर उनके पास पूछताछ के लिए जाऊंगा कहीं वो मुझे अरेस्ट ना कर ले। तो वो वाकई में उसको डर लगा पड़ा हुआ है कि मेरे को कहीं अरेस्ट ना कर ले, और इसी वजह से जब ईडी उसको बाबा समन कर रही थी तो वो जा ही नहीं रहा था, टालम टाली कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट या जिस जो भी कोर्ट पे वो गया था मेरे ख्याल से, वहां से उन्होंने बोल दिया कि भैया ऐसा कुछ हम नहीं करेंगे कि भैया अरेस्ट नहीं हो या कुछ उस टाइप की चीज, ऐसा कुछ मुझे सुनने में आया है। तो अब देखते हैं। तो भैया केजरीवाल के घर की तलाशी में मिला ऐसा सबूत, सीएम की जल्द गिरफ्तारी। देखें कौन सा सबूत मिले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। तकरीबन ईडी की टीम को 1.5 घंटा हो चुका है पहुंचे हुए, और ईडी की टीम ने पहले अरविंद केजरीवाल के घर की तलाशी ली, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के फोन जब्त किए गए, और उसके बाद 1250 के तहत अरविंद केजरीवाल के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। आज ही हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, 3-4 फोन के बाद हाईकोर्ट ने कहा था ईडी की टीम को कि आपको किसने रोका है, कि आप गिरफ्तारी ना करें या फिर आप अरविंद केजरीवाल से पूछताछ ना करें। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ हमारी सहयोगी शबनम मौजूद है। शबनम, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने नो समन की धज्जियां उड़ा दी और आज हाईकोर्ट पहुंचे, और हालांकि आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई उसे बड़ी जीत बता रही थी, लेकिन उसके बाद जो फिलहाल ईडी की कार्रवाई चल रही है, तमाम सुरक्षा बल वहां मौजूद है, तमाम आला अधिकारी मौजूद है, और ऐसा कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की आज गिरफ्तारी। मुझे भी यही लग रहा है। जी अभिषेक, बिल्कुल, इस मामले में अरविंद जैसे भी कयास लगाए जा रहे हैं, ईडी पहुंच चुकी है, पूछताछ चल रही है, और अंदर ईडी अधिकारियों ने पूरे घर के फोन अपने कब्जे में ले लिए हैं, तलाशी ली जा रही है घर की, तो उससे तो साफ जाहिर है अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसी बीच आपके बड़े बड़े नेता केजरीवाल के घर के बाहर पहुंच चुके हैं, वहीं आतिशी ने तो आरोप लगा दिया है कि साजिशन केजरीवाल के घर ईडी पहुंची है, क्योंकि कोर्ट का फैसला आया, अभी देरी हुई नहीं, ईडी को इतनी क्या जल्दी थी कि बहुत जल्दी थी, केजरीवाल के घर छापा मारना पड़ा केजरीवाल को गिरफ्तार करने ताकि वो डिस्ट्रॉय ना कर अब सबूत। इसी के साथ सौरभ भारद्वाज कर ही चुका होगा टाइम सब, ईडी अधिकारियों के साथ बहुत ज्यादती की, अंदर जाने के लिए जबरन वो घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सौरभ भारद्वाज को अंदर घुसने नहीं दिया गया। उन्होंने भी आरोप लगाया कि ईडी रेड मारने आई है और केजरीवाल को साजिश के तहत गिरफ्तार करने की पूरी रणनीति है, तो उनके लिए तो साजिश ही होगी। पिछले हफ्ते अभी कुछ दिन पहले ही जो है के कविता की गिरफ्तारी ईडी ने की, जो केसीआर की बेटी है के कविता, और जो साउथ लोबी का जिक्र है, और अब लंबे वक्त से केजरीवाल को कवर करती आ रही है, और जो साउथ लोबी है उसे 100 करोड़ रुपए की जो रिश्वत है वो लेने की बात सामने आई, वादा माफ गवाह भी जो है के कविता बन गई, उसके बाद ईडी ने गवाह बन गई। क्या अब ईडी के पास आकर जो है वो सबूत है जिसके हिसाब जिसके बाद होंगे तभी आई है, ऐसे तो नहीं आती सबूत के साथ ही आई होगी। इस मामले में साउथ लॉबी का बहुत बड़ा रोल सामने आया है, जिसमें ईडी ने आरोप लगाया है कि साउथ लॉबी ने इस मामले में शराब घोटाले में वो ठेके लेने के लिए रिश्वत दी, उसमें केजरीवाल से कुछ लोगों की, जैसे समीर महिंद्रू का नाम सामने आया, समीर महिंद्रू से केजरीवाल की बात हुई, विजय नायर का नाम सामने आया, बातचीत करवाई गई, फेस टाइम आरोप लगाया गया, विजय नायर ने ये बात खुद ईडी के सामने कबूल की है
कि विजय नायर ने ही फेस टाइम पर समीर महिंदू से केजरीवाल की बात करवाई थी और इस बात के सबूत ईडी को दिए गए हैं। बकायदा ईडी इन्हीं सबूतों के आधार पर केजरीवाल को पूछताछ के लिए बार बार नोटिस जारी कर रही है। और ये लोग समीर महिंदू हो गए, विजय नायर हो गए, विजय नायर तो हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता ही रह चुके हैं, और समीर महिंदू हो गए, के कविता हो गई, साउथ लॉबी की ना के कविता को हेड बोला जाता है कि उन्होंने ही केजरीवाल के कुछ नेताओं से मीटिंग भी की थी शराब, जिस टाइम ये नई एक्साइज पॉलिसी बनी थी उस दौरान पैसे का लेन देन हुआ, जो के कविता की कंपनी जिसमें उनको निदेशक बोला गया, उस कंपनी ने जो पैसा दिया केजरीवाल, ये आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं को पैसा पहुंचाया, तो आरोप यही लगा कि कुल मिलाकर कि साउथ सब खाने वाले बैठे थे, आम आदमी पार्टी ने वो पैसा लिया, केजरीवाल के बीच में बातचीत हुई, तो इन्हीं बातचीत को लेकर ईडी केजरीवाल से पूछताछ करना चाहता। जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी के जो आला कमान है, आला जो अधिकारी, आला जो नेता है, उन्होंने अब कहा है, जो कार्यकर्ता है, आम जो कार्यकर्ता है, एमएलए है, एमपी है, उन्हें कहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पार्टी कार्यालय पहुंचे। तो अब जो है केजरीवाल की अगर गिरफ्तारी होती है, अभी तक नहीं हुई है, अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो फिर आम आदमी पार्टी का क्या कदम होगा, क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वो पहुंच चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो है तुरंत सुनवाई का वो भी बताइएगा। हालांकि बार बार जैसे ही ईडी नोटिस भेजती है तो केजरीवाल बार बार हाईकोर्ट पहुंच रहे थे, हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है तो आप ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो जाते, अगर आपको इतना भरोसा है कि आपने अपराध नहीं किया है और आपके खिलाफ नोटिस गैर कानूनी है तो आप ईडी का सामना कीजिए, ईडी के सवालों का जवाब दीजिए, आपको साफ हो जाएगा कि वो आपको गवाह के तौर पर बुला रही है या अपराधी के तौर पर, अगर आप बचने की कोशिश कर रहे हैं तो दाल में कुछ काला है। तो कोर्ट ने साफ कह दिया कि इस बार तो आपको राहत नहीं मिलेगी और ईडी तुरंत अब वहां पहुंच गई। तो अब आम आदमी के पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, वहां तुरंत सुनवाई की मांग कर रहे हैं। अब हर बार तो कोर्ट ऐसा नहीं करेगा कि राहत हो गई खोलेगा, बिल्कुल नहीं, तो अब हर बार तो सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट लेके नहीं बैठ जाएगा कि अगर ईडी आपको के लिए पहुंच रही है तो आपके तुरंत सुनवाई की जाए, आप पे शिकंजा ना कसा जाए, गिरफ्तारी ना हो। अगर आपने अपराध नहीं किया है, शराब घोटाले से आपका लेना देना नहीं है, हालांकि आप अपने दो नेता जो संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल में, आप उन्हें भी आरोपी नहीं बताते हैं, बोलते हैं कि उन्होंने भी अपराध नहीं किया है, कट्टर ईमानदार बताते हैं, अपराध नहीं किया। अगर अपराध नहीं किया तो पहली बात तो कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही, और जमानत नहीं मिल रही वो छोड़िए, अगर आपके खिलाफ सबूत नहीं है तो आपको हाईकोर्ट ने राहत क्यों दी गिरफ्तारी में, और हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, आप सुप्रीम कोर्ट में भागे गए। सवाल तो ये भी, अगर आप इतने पाक साफ हैं तो आपने ईडी के पहले नोटिस पर जो है क्यों नहीं गए, असंवैधानिक क्यों बता दिया, आपने क्यों पूछ लिया कि आप किस हैसियत से बुला रहे हैं, अगर आप इतने ही दूध के धुले हैं, आप इतने ही जो है पाक साफ है, तो आप ईडी के नोटिस पर गए क्यों नहीं। खैर, जो फिलहाल की जो जानकारी है वो अपडेट हमने आपको दे दी है। देख लो, ये गए थे हाईकोर्ट, ये केजरीवाल गया था हाईकोर्ट और इसने ये कोशिश की थी कि मैं ईडी के समन पे तभी जाऊंगा अगर हाईकोर्ट जो है मुझे कुछ टाइप की गारंटी या मुझे कुछ वो दे, मतलब क्या कहते हैं, आश्वासन और साथ में प्रोटेक्शन दे। तो उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट ने, जहां तक मैंने सुना, हाईकोर्ट ने ईडी को से पूछा कि आपके पास क्या सबूत है, क्या है वो हमें दिखाओ। तो ईडी ने हाईकोर्ट को, कोर्ट को सबूत दिखाए, पर उन्होंने ये कहा कि आप पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं करोगे ये सबूत जो हमारे पास है, आप खाली देखो। तो वहां पे कोर्ट ने सारे सबूत देखे और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, केजरीवाल को मना कर दिया कि तुम्हें कोई प्रोटेक्शन वोटेक्शन कुछ नहीं मिलेगी। तो उसको यही डर था कि मैं जाऊंगा जेल, और वो इस उस वजह से हाईकोर्ट भागा कि मेरे को ये पकड़ ना ले, और सब गेम उल्टी हो गई। अब देखो, पहुंच गई है पुलिस के साथ ईडी, और देखना इसको पकड़ के लेके जाएंगी। चार पांच फोन इसके ले लिए, पूरा घर की तलाशी लिए, पर डेफिनेटली केजरीवाल इतना स्मार्ट है क्योंकि उसको पहले से ही पता है कि ये फंसा पड़ा है, इसने सारे अपने सबूत को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश की होगी। पर ईडी भी जो है बहुत चलाक होगी, उनके पास कुछ आ चुकी है चीज, और जैसे बता रहे हैं कई लोगों ने तो वो गवाह भी बन चुके हैं, उन्होंने बोल दिया कि 100 करोड़ ये केजरीवाल को हमने दिया है, ये बुरा फंसेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, अच्छी बात यह है कि अगर कोई करप्ट पॉलिटिशियन है तो पकड़ा जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, मैं तो कह रही हूँ। और ये वही पॉलिटिशियन है जो कहता था मुझे पैसे से लेने देना नहीं, और कैसे वो पॉलिटिशियन चेंज होता है लाइफ में, इतना करप्ट बन जाता है, कहाँ से क्या बन गया बंदा, मैं तो ये सोचती हूँ। और सोचिए, अगर घर का यानी शीश महल बनाया हुआ, अगर कोई अच्छा कोई लीडर हो दिल्ली में, तो देखिए दिल्ली कितनी प्रोग्रेस हो सच्चे में। अब एटलीस्ट ये है कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है एक्शन, अगर वो
पकड़ा जाने के बाद कोर्ट केस होता है, मगर वो चाहता है कि पकड़ा भी ना जाए. नॉर्मली आप पकड़े जाएंगे, बेल होगी, फिर कोर्ट केस होगा, मगर ही डजंट वांट दैट. वो चाहता है कि मैं कोर्ट पकड़ा ही ना जाऊं, मैं जेल ही ना जाऊं, और उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट, अभी रातों रात मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट खुले. हाँ, इतने लोग बैठे हैं जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा, तुम लोगों की वजह से वो फंसे पड़े हैं. तुमने वो सिस्टम इतना अपने बन के तुमने सिस्टम ठीक नहीं किया, तो अब तुम उसी सिस्टम में घुसो और तुमको भी पता चलेगा. इसका मतलब ये होता है कि कोई भी इतना पावरफुल नहीं होता कि लॉ के ऊपर चले जाए. एग्जैक्टली, ऐसा इतना नहीं है. तो डेमोक्रेसी अच्छी चल रही है, करप्ट लोगों को पकड़ा, अभी ये नहीं कह सकते करप्ट है, पकड़ा जा रहा है, वो तब आगे पता चलेगा. शक है, जज बताएगा, फैक्ट्स ऐसे आ गए हैं जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने भी जो है केजरीवाल का साथ नहीं दिया. तो अब देखते हैं आगे की न्यूज क्या है. तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.